जो है हमने क्या किया कल। मैंने आपको लेसन टू की जो है बेसिक क्लासेस कराई थी कृतिका में नाइन्थ क्लास को। क्या करा था? नाइन्थ क्लास को कृतिका भाग एक में जो है बेसिक क्लासेस कराई थी, ठीक है। तो आज जो है इसमें हम कृतिका में ही लेसन थ्री का अध्ययन करेंगे। इसका जो है मैं आपको पाठ की जानकारी दूंगी, आप अच्छे तरीके से इसको सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो इसमें जो है आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? लेसन थ्री कृतिका भाग एक में जो है रीढ़ की हड्डी, क्या है? रीढ़ की हड्डी नामक जो है ये पाठ है। और इस पाठ में जो है इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र बसु जी हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम क्या रहता है इसका? रीढ़ की हड्डी, री और ध, रीढ़ की हड्डी। तो इसमें जो है लेखक ने एक आधुनिक युग में जो है लड़का और लड़की के जो शादी में या देखने में जो मतभेद होता है उनके बारे में वर्णन किया है। किसने? जगदीश चंद्र बसु जो राइटर हैं उन्होंने जो है एक लड़का और एक लड़की जो है उनके रिश्ते संबंधी जो होते हैं उसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी दी गई है लड़की में जो है लड़का और लड़की में जो है भेदभाव करने वालों पर जो है करारा व्यंग किया है। क्या किया है? करारा व्यंग किया है। तो इसमें जो है जगदीश चंद्र बसु ने लोगों पर प्रहार किया है और दोनों को जो है समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपने देखा होगा कि अपने इस भारतीय में लड़के को अधिक महत्व देते हैं जबकि लड़की को अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु जो राइटर हैं माथुर जी, उन्होंने इन दोनों के समान यानी कि सामाजिक समाज में जो है समान रूप से प्रतिष्ठा देने की बात कही है इसमें, कि जो दोनों को जो है वो लड़का हो या लड़की है वो समान अधिकारी हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के, अपने जो है हक के लिए, तो वो समान रूप से जो है अधिकारी हैं। तो जगदीश चंद्र जी ने जो है इसके बारे में वर्णन किया है। एकांकी का आरंभ जो है राम स्वरूप बाबू के घर से होने वाली जो है साज सज्जा से होता है। जो एकांकी है इसका जो वर्णन है वो राम स्वरूप जो है उसके घर से होने वाला है, यानी कि जो राम स्वरूप था बेटा उसकी लड़की थी उमा। क्या लड़की का नाम था? उमा। और जो है बारे में
रामस्वरूप जो है बाबू, रामस्वरूप बाबू के घर में जो होने वाली साज सज्जा से होता है और उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाला है। जैसे मैंने बताया रामस्वरूप का अभिन्न मित्र कौन था? गोपाल प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद। और जो है बेटा, उनके बेटे का क्या नाम था? शंकर। क्या नाम था? शंकर। ये तीन बातें अभी याद रखो। रामस्वरूप किसका पिता था? उमा का। और गोपाल प्रसाद जो थे वे शंकर के पिता थे। और ये शंकर और रामस्वरूप थे जो, ये दोनों अभिन्न मित्र भी थे और रामस्वरूप जो है गोपाल प्रसाद के लड़के बेटे शंकर से, उनके बेटे शंकर से जो है अपनी माँ बेटी का रिश्ता कराना चाह रहा था। तो बाबू रामस्वरूप उनकी पत्नी प्रेमिका, कौन है रामस्वरूप की पत्नी का नाम? प्रेमा। देखो नाम कहीं आएंगे, याद रखते जाओ। बाबू रामस्वरूप की पत्नी का क्या नाम है बेटा? प्रेमा। और उनका नौकर जो है क्या नाम है उसका? रतन। रामस्वरूप के नौकर का नाम रतन। तो जो है कमरे को सजाते हैं, जो बैठक होती है ना, बैठक बाहर वाली बैठक, उसको सजाते हैं। और बीच बीच में बाबू रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं। गुस्सा, झुंझलाना गुस्सा करना, क्रोधित होना, झुंझलाना। कौन होते हैं? बाबू रामस्वरूप जो हैं बार बार किसी बीच बीच में जो है अपने नौकर पर जो है गुस्सा उतारते हैं, झुंझलाते हैं। ये कैसे कर दिया, ये वैसे कर दिया, इस तरीके से। तभी जो है प्रेमा उन्हें बताती है, क्या बताती है कि उसकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है तभी से जो है वो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा ने क्या बताया रामस्वरूप को कि जब से रामस्वरूप की जो लड़की है उमा, उनको जब से यह पता लगा कि लड़के वाले उसको देखने के लिए आने वाले हैं तो वो कमरे में जो है मुंह फुलाए हुए पड़ी हुई है। मुंह फुलाना रोसना, मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं, वह उमा की जैसे तैसे समझा कर तैयार कर ले। क्या कहते हैं रामस्वरूप अपनी पत्नी को कि वो जो है उमा उनकी बेटी को जो है जैसे तैसे समझा कर तैयार कर ले कि वो उनके सामने आ जाए, लड़कों वालों के सामने। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की जो है बात नहीं बतानी है। बताओ जी ये कौन सी बात है? जो उमा बीएससी यानी बीए पढ़ी हुई थी तो जो है रामस्वरूप ये कहता है अपनी पत्नी को कि लड़कों वालों के सामने जो है यानी कि गोपाल प्रसाद के सामने उमा की उच्च शिक्षा यानी कि ऊंची शिक्षा जो उन्होंने डिग्री की हुई थी उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना है, यानी कि कम पढ़ी लिखी है हमारी लड़की। बताओ जी ये बात क्या कहने वाली है? क्यों छुपानी है ये बात? क्योंकि वे इसलिए इस बात को छुपाते हैं गोपाल प्रसाद जो है एक कम पढ़ी लिखी बहू देखना चाहता है जो कि घर का काम करती रहे और बाहर की दुनियादारी का उसको पता ना हो। तो जो है गोपाल प्रसाद ऐसी लड़की देखना चाहते हैं। तो रामस्वरूप ने जो है गोपाल प्रसाद के सामने ये झूठ कहा कि मेरी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस कारण जो है वे उसको देखने के लिए तैयार है। ये बातें बताते हुए अपनी पत्नी को बता तो दिया कि जो है कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं और उनके सामने उस शिक्षा बिल्कुल भी नहीं बताना। तो
अंत में उम्मा को जो है मैट्रिक तक जो है पढ़ा लिखा ही बताएंगे कि बस इतना ही पढ़ी लिखी है। उसी समय लड़के वालों का जो है आगमन होता है, सारी तैयारी कर देते हैं और उसकी जो पत्नी है प्रिया वो जो है बेड पर चद्दर बदल देती है और कॉर्नर में जो है एक फूलदान रख देती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जैसे कोई भी ऐसी, और जो है उस बैठक का एक दरवाज़ा जो है बाहर गली में खुलता था और एक दरवाज़ा जो था वो अंदर मकान में। तो इस तरीके से जो है उनके घर में यानी कि, और फिर नौकर जो है रतन को दही लाने के लिए कि दही भी नहीं लेके आए, मेहमान आने वाले हैं, तो रतन को जो है रामस्वरूप दही लेने के लिए भेज देता है और इतने में ही उनका प्रवेश हो जाता है। यानी ये उसी समय लड़के वालों यानी कि गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर का आगमन होता है। बापू गोपाल प्रसाद जो है पढ़े लिखे और पेशे से वकील थे। गोपाल प्रसाद कैसे थे? पढ़े लिखे थे और पेशे से क्या थे बेटा? वे वकील थे। उसका बेटा शंकर बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। किसका बेटा? गोपाल प्रसाद का बेटा शंकर कहाँ पढ़ता है? बीएससी में जो है वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आवाज़ पतली और जो है खिसियाहट भरी है। और उसकी आवाज़ कैसी है? पतली है और खिसियाहट, खिस आवाज़ जैसे क्लियरिटी नहीं है, खिसियाहट भरी है। झुकी हुई कमर, रीढ़ की हड्डी किस लिए कहा है काम में? इसमें जो हमारी बोन है रीढ़ की हड्डी है तो उसकी जो है कमर झुकी हुई यानी कि कुबड़ा टाइप जैसे बोल देते हैं साधारण भाषा, रीढ़ की हड्डी, समझ रहे हैं ना, रीढ़ की जिस पे हमारा पूरा शरीर टिका होता है, सीधी होनी चाहिए, झुक कर नहीं बैठना चाहिए, नहीं आपको भी फिर जो है लोग क्या कहेंगे कि जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी। तो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है एक तरीके से। तो गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर की जो है कमर कैसी थी यानी कि उसकी कमर की उसकी खासियत है झुकी हुई थी, कुबड़ा टाइप। रामस्वरूप अतिथियों की आवाभगत करते हैं, गोपाल प्रसाद उनके अतीत की बातें जो है याद करते हैं कि एक हमारा भी जमाना था। कौन से जमाने की बात करते हैं वे? कि एक हमारा भी जमाना था, समोसा 2 रुपए में आ जाया करता था, तो ऐसी बातें भी करते हैं। एक हमारा भी जमाना था, अरे जमाने तो दर बदर बदलते जाते हैं, ये थोड़ी ना तुम्हारे जमाने की तरह आज भी वही जमाना रहेगा। तो जमाना जो है समय के अनुसार बदलता रहता है, समय बदलता रहता है और टाइम भी बदलता रहता है। तो रामस्वरूप जो है उनकी आवाभगत करता है और अपनी बातें करते हैं, हमारा भी जमाना था, और आत्म प्रशंसा करते हुए यानी कि आत्म यानी कि अपनी प्रशंसा करते हुए गोपाल प्रसाद अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। अपने मुँह मिट्ठू बनना, ये एक मुहावरा यहाँ पर अंकित होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो अपने आप ही अपनी बड़ाइयाँ करना और जो है अपने आप को जो है प्रशंसा करना और अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हुए गोपाल प्रसाद कुछ
कुछ ही देर में गोपाल प्रसाद विवाह को जो है बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं कि विवाह तो जो है एक बिजनेस हो गया है। विवाह को गोपाल प्रसाद ने क्या संज्ञा दी है? बिजनेस। कि विवाह को तो जो है बिजनेस कहकर उन्होंने विवाह की बात छेड़ दिया। राम स्वरूप उसके लिए नाश्ता लाकर उसकी सेवा करते हैं। नाश्ते में जो है कई प्लेटें थी, समोसे भी थे गर्मा गर्म, चाय, और चाय जो है विलायती चाय थी, जैसे दूध अलग कैतली में और चाय का पानी और मीठा शुगर यानी कि अलग अलग विलायती चाय जिसको कहते हैं। तो विलायती चाय जो है फिर राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर के लिए तैयार करते हैं। तो वो डालते हैं कि कितना मीठा डालें तो कितना, तो इस तरीके से वो उनकी चाय तैयार करते हैं राम स्वरूप। तो जो है बेटा इसमें रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हुए और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, उनका मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। किसका मत है ये? गोपाल प्रसाद का जो मत है वो ये है कि लड़कियों को जो है ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को जो है कम पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और कमाकर लाना तो जो है केवल पुरुषों का काम है, आदमियों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। ये किसका मत है? गोपाल प्रसाद का, जो कि उसके मित्र थे। तो उनका क्या मत है कि लड़कियों को तो है ज़्यादा पढ़ाना बेकार है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। लड़कियों का काम है कि स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है, घर की रोटियां बेलते रहो, घर संभालते रहो। हैं गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का ही अधिकार है, और जबकि ये कहा गया है कि शिक्षा तो जन्म सिद्ध अधिकार है सबके लिए। जन्म से सिद्ध अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि सभी जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इनका मत है कि केवल लड़कों का ही अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, लड़कियों का नहीं है। तो उनका लड़का शंकर भी जो है उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। किनका लड़का? गोपाल प्रसाद का लड़का अपने पिता की बातों का जो है समर्थन करता है। और समर्थन करता हुआ क्या कहता है कि हाँ लड़कियों को जो है ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वो तो केवल घर को संभालने के लिए होती है। तो थोड़ी ही देर बाद राम स्वरूप जो है अपनी बेटी उमा को आवाज़ लगाते हैं चाय के लिए, चाय लेकर आएगी मेहमानों के सामने, जैसे पान की तस्तरी के लिए। चाय तो वे ले आए थे, उनकी पत्नी और जो है राम स्वरूप ले आए थे चाय। तो यानी कि पहले पान लगाया जाता था, तो पान की जो है तस्तरी यानी कि प्लेट हाथों में लेकर जो है उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है, क्योंकि उमा नहीं चाहती थी कि मेरी जो है शादी हो, वो पढ़ना चाहती थी आगे, जबकि उनके पिता राम स्वरूप जो है उनकी शादी करना चाहते थे। तो उसका जो है उमा का मन खुश नहीं था ना। उसने कोई लिपा पोती की, लिपा पोती पाउडर क्रीम जो है ये तो ऐसा भी उसने उमा ने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी सी उसकी माता ने कही थी प्रिया ने कि थोड़ी सी ये लगा ले, तो इस तरीके से जो है वो बिल्कुल सादे ही कपड़ों में आती है। कौन? उमा प्रवेश करती है जहाँ पर गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर बैठे हुए और उनके पिता यानी कि राम स्वरूप। तो उमा जो है अत्यंत सादे कपड़ों में आ जाती है
और उसकी आंखों पर जो है लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। किसकी आंखों पर चश्मा लगा था? उमा की आंखों। उमा की आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर जो है चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आंख आई और जो है कुछ खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। यानी कि जैसे पहले आंख आना यानी कि लाल हो जाना, गर्मी में आती ना आंख आना, है तो इस कारण जो है वो चश्मा लगा रही है। कुछ खराबी है आंख में तो इसके कारण वो चश्मा लगा रही है, यानी कि आंख दुखनी उसकी आ रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं कि आपको जो है गाना बजाना आता है या नहीं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के कहते हैं, उसके पिता यानी कि उमा के पिता भी गोपाल प्रसाद के बोलने पर कि गाना बजाना आता है या नहीं, तो रामस्वरूप यानी कि उमा के पिता भी जो है उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का जो है मशहूर गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, ये गाने लगती हैं। कौन गाने लगती हैं? कौन गाने लगती हैं? उमा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाने लगती हैं। यह गीत में जो है इतना तल्लीन हो जाती है उमा गाती हुई, तो इस गीत में वो खो जाती है। उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है। गाती गाती यानी कि वो गीत गाते हुए जैसे उसकी झुकी नज़र ऊपर उठती है तो वो शंकर को देखती है, और शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। एकदम उसने देखा एकदम ये तो वो लड़का है, अब बताऊंगी मैं आगे जैसे, तो वो एकदम जो है गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे जो है पेंटिंग सिलाई अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं कि आपको पेंटिंग बनानी आती है, आपको सिलाई करनी आती है, आपको खाना बनाना आता है, इस तरीके के जो हैं सवाल उससे गोपाल प्रसाद करते हैं। किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती है, उसको गुस्सा आया हुआ था। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं और रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है कि बेटा बोलिए, आपको पेंटिंग आती है, आपको सिलाई कढ़ाई आती है, तरह तरह के सवालों से जो है अपमानित उमा कहती है, क्या कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं, लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती हैं, जो तुम इनका मोल भाव करने आ गए हो। यहाँ पर उमा ने जो है गोपाल प्रसाद को ताड़ते हुए कहा, डांटते हुए अपनी चिल्लाहट में जो है कहा कि जो है लड़कियां निर्जीव वस्तु नहीं होती। निर्जीव वस्तु की जो जैसे कुर्सी मेज जिसमें सांस नहीं होता, निर्जीव ये लड़कियां जो है कोई निर्जीव वस्तुएं नहीं होती जिसका तुम मोल भाव कर रहे हो, ऐसे अच्छी तरह का। अरे गाना आता है, स्वेटर बुनना आता है, खाना बनाना आता है, तुम यहाँ पर एक नौकरानी देखने आए हो कि लड़की देखने आए हो, इस तरीके के जो है उमा अच्छी तरह से गोपाल प्रसाद को ताड़ती है। तो आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? इसके द्वारा रचित जो है ये एकांकी है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा